चलो ये वाटर ड्रॉप वाला जो क्वेश्चन है वो इसके आने के जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है यार, बिकॉज इसमें बच्चे बच्चे को डाउट आता है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे आप करोगे तो आप वो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंटरवल निकालने में दिक्कत होती है बच्चों को। वाटर फॉल एट ए रेगुलर इंटरवल फ्रॉम द टैप, एक टैप है यहाँ से, ठीक है, एक ठीक है, ये यहाँ से जो वाटर है वो रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रहा है और ये ग्राउंड है। अब कहानी क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि 5 मीटर हाइट है, ये जो हाइट है वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 5 मीटर, दिस इज द टैप हाइट, ठीक है। कहता है थर्ड ड्रॉप लीविंग है, थर्ड भाई पानी जो है वो बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो थर्ड वाला जस्ट गिरने वाला है, थर्ड वाला इधर है, ठीक है, बाकी दो किधर गए, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर एब द ग्राउंड सेकेंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, तो फर्स्ट वाला कहाँ, फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप टच करने वाला होगा ग्राउंड को, टच कर दिया मतलब, तो सेकेंड ड्रॉप इनके बीच ही कहीं होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि गायब हो गया होगा, वेपराइज हो गया होगा, ठीक है। हाँ इतना दिमाग नहीं लगाना, तो ये हमें निकालना है हाउ फार एबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप ग्राउंड से कितना ऊपर है, दिस डिस्टेंस निकालना है, दिस डिस्प्लेसमेंट, ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ई एस की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आता है क्योंकि उनको इंटरवल बुझाता नहीं है, ठीक है, इंटरवल उनको पता नहीं चलता है। तो एक काम करना, मैं एक अच्छा सा आइडिया बताता हूँ, जितना भी ड्रॉप गिरता है, 2 गिरता है, 4 गिरता है, 5 गिरता है, जितना भी गिरता है उसको मान लो यहाँ से ये दो, इस पे दो, अगर 3 होगा तो 3 टी मान लेना भाई, ये इंटरवल हो गया ना, ये जो स्पेस है इंटरवल हो गया। अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन आया 3 ड्रॉप गिर रहा है, तो ये एक इंटरवल हो गया, तो ये पूरा टाइम 3 टी ले लेना, तो इससे इंटरवल पता चल जाएगा कितने इंटरवल पे गिर रहा है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये पूरा मैं 2 टी ले लेता हूँ, तो मुझे ये वाली जो है वो इंटरवल ये टी है, और ये भी इंटरवल टी है, रेगुलर इंटरवल पे गिर रहा है ये। यहाँ थोड़ा सा ये मैंने एक आइडिया डेवलप कर दिया जो आपको बहुत फ्यूचर में हेल्प करेगा। चलो तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो पहला वाला ड्रॉप था अभी वो गिरा ही नहीं है, और जब ये ड्रॉप गिरता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी, अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ये है 5 मीटर और यू 0 है और हाफ जी की वैल्यू 10 है और टाइम टी का स्क्वायर, पूरा हमने कितना टी लिया था, तो 2 टी लिया था, तो 4 टी स्क्वायर, तो ये 5 और ये 20, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5/20 मतलब 1/4, ठीक है, अंडर रूट, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मतलब 0.5 सेकेंड। ये जो 0.5 सेकेंड है वो एक रेगुलर इंटरवल है, उस रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है तो हमें ये हम निकाल सकते हैं कि ये वाला हाइट कितना है, पहले ये निकाल लें, ये वाला निकाल लें ऊपर से, थर्ड वाला सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाला कितना नीचे आया है तो हमें पता चल जाएगा, फॉर सेकेंड वाला ड्रॉप, फॉर सेकेंड ड्रॉप, तो सेकेंड वाले ड्रॉप के लिए चलो मैं एक अच्छी सी बात लगा दूँ, सेकेंड वाले ड्रॉप के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड वाले ड्रॉप के लिए, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस वन मान लो इसको एस डैश, तो एस डैश यू 0 था सेकेंड वाले का, सेकेंड वाले के लिए, तो हाफ सेकेंड वाले के लिए एक्सेलरेशन 10 ले लेता हूँ और उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 1/2 सेकेंड लगा, रेगुलर इंटरवल, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये 2 के 2 का मतलब 5/4 मीटर पे सेकेंड वाला है ऊपर से, तो नीचे से कितना हो जाएगा, ग्राउंड से कितना हो जाएगा, तो ग्राउंड से आ जाएगा 5 माइनस 5/4, तो 5 माइनस 5/4 तो आ जाएगा 20 और ये 15 बाई फोर 3.75 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है 3.75, ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो थर्ड फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइनेमेटिक्स।